सो यू ऑल हैव सीन द कैंडल फ्लेम, ठीक है. कल हमने डायग्राम भी डिस्कस किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. तो जो चीज़ें ग्लो करती हैं दे आर वेपर्स, ठीक है. जैसे हम वैक्स की बात करें तो कैंडल जो है वो वैक्स से बनी हुई है, तो जो वैक्स के वेपर्स हैं वो क्या कर जाते हैं, वेपराइज कर जाते हैं. एंड ड्यू टू देयर वेपराइजेशन यू सी अ फ्लेम दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देम. सेम इज द केस ऑफ अ मैच स्टिक, ठीक है. मैच स्टिक के केस में भी सेम होता है. एंड देर आर सब सब्सटेंसेस दैट डोंट ग्लो विद अ फ्लेम, जैसे कोल हो गया, आयरन है, ये हीट अप होते हैं बस, ठीक है. बट ये जो है ये आपको फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करते हैं. ओके, सो सम सब्सटेंसेस दे बर्न विद फ्लेम एंड सम सब्सटेंसेस दे बर्न विदाउट फ्लेम. सो लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. सो यहां से मैं तीन रीजन्स बनाऊंगी आपके. आई विल बी फॉर्मिंग थ्री रीजन्स फ्रॉम हेयर. सो जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है दैट इज एक्चुअली द रीजन ऑफ ब्लू फ्लेम, राइट. तो ब्लू फ्लेम वाला रीजन जो है वो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट मार्क्स द कंप्लीट कंबशन जोन, जहां पर कंप्लीट कंबशन होती है, ठीक है. उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट इज द इनकम्प्लीट कंबशन वन. यहाँ पर मैं विक बना रही हूँ उसकी, ठीक है. यहाँ पर हमारे पास कैंडल की विक है. Okay, so this is the structure of flame. अब इसमें हमारे पास कौन कौन से zones हैं, let's write down now, ठीक है. तो तीन zones हैं इसके. जो सबसे अंदर वाला zone है, this zone, this is the innermost zone. इनर मोस्ट जोन यानी कि जो सबसे अंदर वाला जोन है, दिस जोन इज मार्क्ड एज द डार्क जोन. दिस इज एक्चुअली ब्लैक इन कलर, ठीक है. ब्लैक कलर का होता है और ये बहुत ज्यादा इसमें कंबशन कम होती है, ये ऑलमोस्ट नो कंबशन वाला जोन है. वेरी वेरी लेस कंबशन और ऑलमोस्ट नो कंबशन इट टेक्स प्लेस इन दिस जोन, ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज दिस वन, द मिडल जोन. तो आप देख सकते हो कि मिडल जोन काफी ज्यादा है. ये येलो वाला और ये ऑरेंज वाला, ये सारा मिडल जोन बनाता है, ठीक है. दिस येलो एंड दिस ऑरेंज पार्ट इट होल्ड्स फॉर्म द मिडल जोन, ओके. एंड दिस जोन इट मार्क्स द इनकम्प्लीट कंबशन जोन. दिस जोन मार्क द इनकम्प्लीट कंबशन जोन. इस जोन में कम कंबशन होती है, पूरी की पूरी कंप्लीट कंबशन नहीं होती है, यानी कि बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको मिलेगी, ओके. दिस दैट इज एक्चुअली द ब्लू जोन. नो, दिस इज नॉट द ब्लू जोन, दिस इज द आउटर मोस्ट जोन. द ब्लू कलर वन दैट इज द आउटर मोस्ट जोन, ठीक है. दिस इज द जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन. इस जोन में कंप्लीट कंबशन होती है आपकी. कंप्लीट कंबशन मीन्स वट एवर द फ्यूल यू आर बर्निंग इट विल कंप्लीटली बर्न टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. बट यहाँ पर इनकम्प्लीट वाले में आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी. करवाया था ना मैंने कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है. तो कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ओके. एंड हेयर यू कैन सी ऑल्सो मैंने कुछ डार्क पोर्शन ब्लू कलर का यहाँ पर भी बनाया हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पर कैंडल की विक के बिल्कुल पास
वेरी नियर टू द विक ऑफ द कैंडल. हेयर इट मार्क्स द ब्लू जोन. हेयर इट मार्क्स द ब्लू जोन. यहाँ पर ब्लू जोन में क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट टेक्स ऑक्सीजन टू कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. राइट, तो यानी कि ब्लू जोन में भी क्या हो रही है, कंप्लीट कंबशन हो रही है. जो बाय प्रोडक्ट्स रह जाते हैं आपके, दे अगेन अंडरगो और दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू कंप्लीट द कंबशन प्रोसेस. क्लियर, इज दिस क्लियर कि कौन कौन से जोन्स है सबसे पहले. ठीक है, तो हमने जोन्स डिस्कस कर लिए हैं, डेट व्हाट आर द डिफरेंट जोन्स ऑफ द फ्लेम. सो इफ यू टॉक अबाउट दिस ब्लू वन, ब्लू वन इट मार्क्स द कंप्लीट कंबशन. ये ब्लू कलर का होता है. ठीक है, मिडल जोन आपको येलो या ऑरेंज शेड का दिखेगा. इनर मोस्ट जोन डेट इज ब्लैक इन कलर. ठीक है, ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रह जाते हैं. तो ये जो सेंटर वाला जोन है, क्योंकि मेरे पास ब्लैक चॉक नहीं है, सो आई हैव ड्रॉन विद द व्हाइट वन. ठीक है, तो ये जो मैंने पार्ट शो किया है, डेट इज एक्चुअली द ब्लैक जोन, द जोन ऑफ ब्लैक कलर. ठीक है, डार्क जोन कहते हैं हम इसको. और ये जो कुछ पार्ट मैंने विक के अराउंड बनाया है ब्लू इन कलर, डेट मार्क्स द ब्लू जोन वेयर द कंप्लीट कंबशन प्रोसेस इट टेक्स प्लेस. ओके, वेयर द कंप्लीट कंबशन ऑफ द प्रोसेस इट टेक्स प्लेस. हाँ जी, क्लियर बेटा? यस. अब मुझे ये बताओ, व्हेनेवर यू आर गेटिंग द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो जो आपका फ्यूल है वो कौन से कलर पे फ्लेम देगा आपको? हाँ जी, अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सेस में अगर आपके पास ऑक्सीजन है, तो जो आपका फ्यूल है वो किस कलर के साथ बर्न करेगा, कौन से प्रोडक्ट देगा आपको, और क्या वो कोई रेजिड्यू छोड़ेगा पीछे? यस आरिश. Yes, ma'am. If the fuel is having sufficient oxygen, then it will burn with the blue flame. No residue will be left, and the flame. And ma'am, what was the other question that you asked? So residue, flame color. That's it. ठीक है? तो अगर मैं इसको कह रही हूँ outermost zone को, that is the complete combustion zone. Okay? So here, no residue will be left. कोई residue नहीं रहेगा पीछे, क्योंकि complete combustion है. उसको प्रॉपर एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है. इट इज गेटिंग द एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट्स व्हाई होल ऑफ द सब्सटेंसेस दे आर कंप्लीटली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड इट इज गोइंग टू गिव यू हीट आल्सो. ओके, एंड आउटर मोस्ट जोन इज हैविंग द हाई टेम्परेचर. बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है इस आउटर मोस्ट जोन का, दैट इज एक्चुअली ब्लू इन कलर. ठीक है, ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ दिस जोन, जो आपकी गोल्ड स्मिथ्स हैं, ठीक है, जो गोल्ड बनाते हैं, गोल्ड या सिल्वर के ऑर्नामेंट्स जो बनाते हैं, ठीक है, वो इस पार्ट ऑफ ब्लू पार्ट को, कैंडल के ब्लू पार्ट को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेल्ट द गोल्ड एंड द सिल्वर आइटम्स. ठीक है, गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स को, ठीक है, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए वो गोल्ड एंड सिल्वर के जो मेटल्स हैं, ठीक है, उनको मेल्ट करवाने के लिए कौन सा जोन यूज करते हैं? दिस आउटर मोस्ट जोन, दैट मार्क्स द कंप्लीट कंबशन. ठीक है, और हम इसको कौन सा जोन कह देते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन. और हम इसको कौन सा जोन कह देते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन कह देते हैं हम इसको. ओके, कैन यू सी दिस जोन इज वेरी थिन एज कंपेयर टू द येलो एंड द ऑरेंज वन. ठीक है, तो ये थोड़ा सा थिन होता है, मतलब ये जोन काफी कम होता है कैंडल में. थिन का मतलब क्या है कि कम है, ये सिर्फ इतना प्रेजेंट है. यहाँ पर तो मैंने बहुत ज्यादा बना दिया, पर जब आप कैंडल की फ्लेम देखते हो तो बिल्कुल एक लाइन नजर आती है आपको. ओके, सो गोल्डस्मिथ्स, दे यूज दिस आउटर मोस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम
in order to do the melting of the gold and the silver ornaments. Okay, because this zone it contains high temperature, zyada heat wala zone hai ye. Clear? हाँ जी क्लियर बेटा, ज्यादा हीट वाला जोन है ये, दिस इज हैविंग हाई हीट, और यू कैन से इट इज द हॉटेस्ट पार्ट, सबसे ज्यादा गर्म पार्ट होता है ये, दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम वेयर इट ब्रिंग्स अबाउट द कंप्लीट कंबशन ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय टेकिंग द हीट. ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट जोन पे चलते हैं, द मिडल जोन. अगर ये कंप्लीट कंबशन कर रहा है तो जो मिडल जोन है वो आपका उसमें क्या होगी, इनकम्प्लीट कंबशन होगी नेचुरली. दैट मींस हेयर मेनी ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स दे विल बी रिलीज्ड आउट. ठीक है, बहुत ज्यादा बाय प्रोडक्ट्स इसमें आएंगे, और ये मॉडरेटली हॉट होता है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है. वाई बहुत ज्यादा गर्म क्यों नहीं होता है, बिकॉज दिस इज इनसाइड वाला जो पार्ट है इसका, ठीक है, दिस इज द इनसाइड पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम एंड दिस इज मॉडरेटली हॉट एंड इट बर्न्स विद येलो ऑरेंज शेड, येलो ऑरेंज कलर के साथ बर्न करता है ड्यू टू इनसफिशेंट ऑक्सीजन. ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इनसफिशिएंट होती है, इसीलिए ये कौन सी फ्लेम देता है आपको, येलो ऑरेंज कलर देता है. ओके, दैट मार्क्स द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आर लेफ्ट हियर. यहां पर क्या रह जाते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. तो कई बार आप देखते हो जब आप कैंडल के ऊपर कुछ चीजें रखते हो तो उनके ऊपर ब्लैक ब्लैक सा आ जाता है. हाँ जी, कई बार आप कैंडल के ऊपर कुछ चीज रखते हो तो वो ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है, राइट. ओके, सो दैट इज ड्यू टू द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. ओके, तो उसमें जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से रह जाते हैं बर्न होने, एंड दे लेफ्ट अनबर्न्ड, सो दैट्स व्हाई दे गेट कन्वर्टेड इनटू सूट, सूट बना देते हैं SOOT. ठीक है, तो वो ब्लैक कलर का कार्बन का कंपाउंड होता है, दैट फॉर्म्स द सूट. ओके, सो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो हैं, और ये क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म रेजिड्यू एज ब्लैक स्पॉट और ब्लैक सूट एंड अदर रेजिड्यू. तो जैसे उसमें कोई रेजिड्यू नहीं था, इसमें रेजिड्यूज जो हैं दे आर लेफ्ट. ओके, तो आपको ऐसे डिफरेंस की फॉर्म में पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा रेजिड्यू है, हेयर देयर इज नो रेजिड्यू, हेयर रेजिड्यूज दे आर लेफ्ट. इसका कौन सा कलर है, ऑरेंज येलो है. इसका कौन सा कलर है, ब्लू है. ठीक है, दिस मार्क्स अ कंप्लीट कंबशन जोन, दिस मार्क्स अ इनकम्प्लीट कंबशन जोन. ओके, हेयर द प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, बट यहाँ पर इनसफिशियंट ऑक्सीजन की सप्लाई है. This is the hottest part of the candle flame. This is the moderately hot. ठीक ठीक है, ज्यादा गर्म नहीं है. ठीक है, ये part thin है, this part is thin, but this part it forms the major portion of candle flame. ठीक है, तो ये जो मिडल पार्ट है ये कैंडल फ्लेम का सबसे ज्यादा पोर्शन जो है वो फॉर्म करता है. ज्यादा पार्ट है ना, दिख रहा है आपको येलो ऑरेंज वाला. ठीक है, सो डिफरेंसेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू. तो जो चीजें मैंने लिखी हैं आपने उसी में से डिफरेंसेस जो हैं वो पॉइंट आउट कर लेने हैं. क्लियर है कि रिपीट करूं डिफरेंसेस, इज दिस क्लियर, वट एवर थिंग्स आई हैव रिटन हियर दे फॉर्म योर डिफरेंसेस. ठीक है, ये ज्यादा हॉट है, वो कम हॉट है, इसमें इनसफिशियंट सप्लाई है, इसमें सफिशियंट सप्लाई है, उसमें इनसफिशियंट सप्लाई है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है, उसमें कम मिल रही है ऑक्सीजन. ठीक है, दैट इज एक्चुअली द आउटर मोस्ट जोन, वो मिडल जोन है, ये मेजर पोर्शन बनाता है, ये कम वाला पोर्शन बनाता है. ओके, इफ दिस इज द नॉन ल्यूमिनस जोन, दिस इज द ल्यूमिनस जोन. नीचे ऊपर दिख जाएगा आपको बेटा, ऊपर लिख दो. So
सो जैसे ये नॉन ल्यूमिनस जोन है उसको हम कौन सा जोन कहते हैं? ल्यूमिनस जोन कहते हैं. ठीक है, क्लियर टिल नाउ? क्लियर? अब नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज द इनर मोस्ट जोन, डार्क जोन, दैट इज एक्चुअली ब्लैक इन कलर. इनर मोस्ट जोन और ब्लैक जोन, दैट इज ब्लैक इन कलर. तो यहाँ पर क्या होगी, क्या कंबशन होगी? सो दिस जोन इट मार्क्स द नॉन कंबशन जोन. ठीक है, नो कंबशन और नॉन कंबशन, यहाँ पर कोई कंबशन नहीं होगी. So due to this reason it is dark in color. Okay, so this is actually the area that is surrounding the wick of candle. So this is the area that is actually surrounding the wick of the candle. तो ये कैंडल विक है, उसके आसपास का जितना भी ये एरिया है दैट इज द एक्चुअली डार्क जोन. ओके, अब इसकी टेम्परेचर की बात करते हैं. अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर ठीक है, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा? लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर होगा इसका. ओके, लीस्ट टेम्परेचर, लो टेम्परेचर. ओके, तो इसी में ही कई बार आपको ब्लू जोन नजर आता है. ब्लू जोन इट मार्क्स कि अब इस जोन में, यहाँ पर ब्लू फ्लेम आपको कब नजर आती है? जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बर्न होके यहाँ पर उसको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल जाती है, क्या कर जाती है? बर्न कर जाती है, एंड ड्यू टू विच इट गिव्स यू अ ब्लू कलर. ठीक है, तो कई बार आपको यहाँ पर ब्लू कलर नजर आता है, डैट मार्क्स कि यहाँ पर कंप्लीट कंबशन हो रही है, डैट्स वाई इट इज ब्लू इन कलर. ठीक है जी. ओके, तो जो गोल्ड स्मिथ है वो ये ब्लू वाला पार्ट यूज करते हैं. दे आर हैविंग मेटालिक पाइप्स, मेटल की पाइप्स होती हैं, वो उन पाइप्स को यहाँ पर ब्लू जोन पे रखते हैं लाइक दिस. ठीक है, जो मेटल की पाइप्स होती हैं उनको इस ब्लू जोन पे रखते हैं, एंड देन दे ब्लो द एयर. ओके, तो एयर ब्लो करते हैं जिससे फ्लेम जो है वो डायरेक्ट हो जाती है आर्टिकल्स पे, जो मेटल्स है जिनको उन्होंने क्या करना है, मेल्ट करवाना है. तो दिस इज हाउ द गोल्डस्मिथ दे यूज दिस ब्लू पोर्शन ऑफ द फ्लेम फॉर डूइंग द मेल्टिंग ऑफ द गोल्ड एंड द सिल्वर. ओके, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि जो फ्लेम का कलर है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? जो फ्लेम का कलर है सबसे पहले, हाँ जी हरीश, फ्लेम का कलर किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? मैम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे, यानी कि उसको कितनी एयर मिल रही है, अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल फॉर डूइंग द कंबशन प्रोसेस. ओके, सो हाउ मच एयर इट इज एक्चुअली गेटिंग टू डू द कंबशन प्रोसेस, सो दैट डिपेंड ऑन द कलर. ठीक है, तो कलर जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? अगर आप ये वाले पार्ट की बात करो तो ये वाले पार्ट में अगर कंबशन होती है, ब्लू पार्ट में कंबशन होती है, तो देन इट कॉजेज लेस पॉल्यूशन. लेस पॉल्यूशन क्यों? क्योंकि रेजिड्यूज बहुत कम आते हैं इसमें. तो दिस पॉइंट यू कैन ऑल्सो ऐड, आप ये पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हो कि अगर कंबशन जो है वो ब्लू जोन में जा रही है, ये वाले ब्लू पार्ट में जा रही है, आउटर मोस्ट जोन में है, तो डैट इज गोइंग टू गिव यू वेरी लेस बाय प्रोडक्ट, सो इट इज कॉजिंग लेस पॉल्यूशन. ओके, सिंस हेयर द बाय प्रोडक्ट्स आर देयर, सूत एंड अदर कार्बन पार्टिकल्स दे आर देयर, सो डेफिनेटली इट विल कॉज सम पॉल्यूशन. ठीक है, तो ये भी फैक्टर आप इंक्लूड कर सकते हो कि वो पॉल्यूशन कॉजिंग कंबशन वाला जोन है, ये नॉन पॉल्यूशन कॉजिंग कंबशन वाला जोन है. इसमें तो कंबशन हो ही नहीं रही, तो इसने पॉल्यूशन क्या कॉज करना है? ठीक है, तो इसमें तो कंबशन हो ही नहीं रही, सो डिफरेंसेस कैन बी आस्क्ड टू यू from the luminous and the non-luminous one. तो बहुत अच्छे छह सात differences बन रहे हैं, मैंने आपको बता दिए हैं, between the luminous and the non-luminous zones. Any doubt beta? This is very very important topic, structure of flame.
तो जैसे मैंने आपको बताया अभी डिफरेंसेस, तो डिफरेंस का पूरा क्वेश्चन आ जाता है, फ्लेम का स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं। ओके इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन टेल बेटा। कोई चीज आपको नहीं समझ आई, कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं है, यू कैन आस्क। राइट, सो आपका होमवर्क क्या है, आपने डिफरेंसेस जो हैं वो घर पे लिखने हैं। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू राइट डाउन द डिफरेंसेस ऑफ ल्यूमिनस एंड द नॉन ल्यूमिनस जोन। ओके, 6-7 डिफरेंसेस जो भी मैंने लिखवाए हैं आपने उसको डिफरेंसेस की फॉर्म्स में लिखने हैं। नेक्स्ट करें, शैल वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक नाउ? हाँ जी, व्हाट अबाउट अदर बेटा? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल। सो आफ्टर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम वी आर गोइंग टू डू द टॉपिक फ्यूल। यस बेटा, सो व्हाट फ्यूल इज एक्चुअली? हाँ जी हरमन। यस हरमन। मैम मुझे एक पूछना था कि मैम मतलब कि हम अगर किसी चीज में फायर लगा दें, मतलब कि हम किसी कमरे में लगा दें तो हम उस कमरे को क्लोज कर दें, मैम उसमें ऑक्सीजन जैसी खत्म होगी फायर चलती रहेगी? बेटा मैंने फायर साथ में बंद हो गया तो था, इन विच ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। जब तक उसको ऑक्सीजन मिलेगी वो तब तक बर्न करेगी, उसके बाद जो है इट विल स्टॉप बर्निंग। नहीं मैम, ऐसा नहीं होगा कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है अंदर तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनने शुरू हो जाएगी? नहीं बेटा, ऑक्सीजन की सप्लाई इंपॉर्टेंट है बर्निंग के लिए। मैंने ट्रायंगल करवाया था, दैट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंबशन प्रोसेस। कंबस्टिबल सब्सटेंस, इग्निशन टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन, दीज थ्री फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एनी सब्सटेंस। ओके मैम। जी तरन्या बोलिए बेटा, व्हाट इज अ फ्यूल? तरन्या व्हाट इज फ्यूल बेटा? मटेरियल्स व्हिच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। ओके, मटेरियल्स व्हिच प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी बाय डूइंग द कंबशन प्रोसेस। ओके, बाय डूइंग द कंबशन प्रोसेस। यस प्रभ शरण बोलिए। प्रभचरण बोलिए बेटा, व्हाट इज फ्यूल? सम द मटेरियल्स व्हिच आर बर्न टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल्स। वेरी गुड, सो दीज आर द मटेरियल्स दैट बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ठीक है, तो उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? फ्यूल्स कहते हैं। यानी कि अगर हम डायरेक्टली बात करें तो दे आर द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। सो दीज आर द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, राइट? सो फ्यूल इज कैरेक्टराइज्ड इन द थ्री स्टेट्स। ठीक है, क्योंकि हम तीन तरह से फ्यूल जो हैं हमारे पास हैं, दैट आर इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैशियस फ्यूल। ठीक है, तो फ्यूल हमारे पास ये तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैशियस में। सॉलिड में जैसे आप कह रहे हो वुड, पेपर, कोल। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो किस में आ जाएंगे? कोल, चारकोल, ये ऑल कॉन्स्टिट्यूट द सॉलिड फ्यूल। ये सारी सॉलिड फ्यूल की एग्जाम्पल्स हो जाती हैं। लिक्विड में यू आर हैविंग पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल। ओके, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, दे ऑल फॉर्म द लिक्विड फ्यूल। कमिंग टू द गैशियस वन, गैशियस में आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं बेटा? एलपीजी, एलपीजी, सीएनजी, ये गैस स्टेट में होते हैं आपके पास, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और बायोगैस भी जो होती है दैट इज ऑल्सो अ फ्यूल, बायोगैस। ओके,
So they are the some of the different categories of the fuel that we can use for the burning process. अब मैंने आपको एक फ्यूल दे दिया है सपोज what characteristics you see in that fuel that makes it a good one? आपने आप उसमें क्या क्या characteristics देखोगे that will mark कि ये good fuel है बाकियों से. How you are going to locate a good fuel and a bad fuel? जी आरिश बोलिए बेटा. यस मैम इट हैज अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल. ओके सो यू आर सेइंग दैट इट मस्ट बी हैविंग हाई कैलोरीफिक वैल्यू. अब पहले कैलोरीफिक वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू एक्चुअली?